ये भाषा विवाद ठीक नहीं है। यही कहेंगे कि भाषा के उपयोग करके ये हमारे विभाजन करने की बात ना करें। अभी तो फोकस इस पर होना चाहिए जो बेरोजगार है। तो हमारा मातृभाषा है हिंदी। झारखंड में भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही 1932 के खतियान को भी लेकर के आवाज उठाए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर आवाज उठा है तो वो बोकारो जिले से उठा है। ऐसे में बोकारो के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर भाषा विवाद कितना सही है, क्या 1932 का खतियान लागू होना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम आनंद राम हुआ, बेरमो का रहने वाला हूँ, जिला बोकारो का, फुसरो नगर का मैं वार्ड पार्षद हूँ 15 वर्षों से। और ये जो भाषा की जो बात आ रही है, हम एक आम नागरिक के तौर पर बोल रहे हैं। जो 1932 हमारा देश उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। अगर ये भाषा जैसे अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो हिंदुस्तान जब हम लोग को जब अलग किया गया था, पाकिस्तान अलग किया गया था, जो उधर का आदमी उधर रह गया, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, आज जो हिंदुस्तान में रह गया हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो यहाँ के निवासी हिंदुस्तान का है, ठीक। आज हमारा बिहार पहले था एक राज्य, बिहार राज एक राज्य था, आज उससे अलग हुआ झारखंड राज 2000 में। तो अगर यही करना था तो 2000 से ही लागू करना चाहिए। इसमें बहुत से गरीब भूमिहीन है हमारे समाज में, गरीब मजदूर ये सब है जो भूमिहीन है। आज तक उसको भूमि है ही नहीं, जो सरकार से लाभ लेना चाहिए तो लाभ भी नहीं मिलता। और ये जो भाषा का जो बात है, तो भाषा से इंसान नहीं चेंज किया जाता, इंसान इंसान होता है, आपका सब आपका आदमी है, कोई भी भाषा का हो। जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद आपका अंदर में है, आप इसका मुखिया है, आप इसका मालिक है, आप जो डिसीजन लें। मगर आज यही कहेंगे कि भाषा के उपयोग करके ये हमारे विभाजन करने की बात ना करें, कोई रहे, कोई भी पार्टी वाला रहे। इससे क्या होता है कि जो हम लोग का जो प्रेम मोहब्बत है दूरियाँ हो रहा है, ये दुनिया ना बढ़े। तो ये भाषा विवाद कितना सही है, क्या झारखंड में फिर से एक बार 2002 की स्थिति तो नहीं बनती जा रही है कि भाषा विवाद के नाम पर एक दूसरे से दुश्मन की तरह व्यवहार होने लगे? इसमें आपस में फूट हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं। देखिए, पहले तो बिहार से, अब बिहार में अलग हुआ झारखंड, यहाँ जितना भी गरीब तबके लोग जन्मे, तो उसको आप बोलिएगा भाषा विवाद से बाहर और भीतर का बात कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। रह गया खतियान, 32 का खतियान, तो 32 का खतियान था अंग्रेज का राज में, अंग्रेज से पहले, तो उस समय किस आदमी के पास खतियान होगा? गरीब तबके के पास आज भी नहीं, आज भी लोग भूमिहीन है, आज भी गरीब लोग है। आज उसका अभी बोले ना आनंद भाई कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, आवासीय नहीं बन रहा, शिक्षित नहीं हो पा रहा, कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है, ये भाषा विवाद ठीक नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग सब एक है, एक रहिए, आपस में टूटने वाला बात नहीं होना चाहिए। जिस तरह से विरोध हो रहा है कि भोजपुरी मगही नहीं चलेगा, आप लोगों को लगता है कि इस तरह के विवाद उत्पन्न होने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा? नहीं, इससे फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारा राज्य को, हमारे देश को। ये आपस में फूट वाला बात हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लगता है कि एक वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष में इस तरह की आवाजें उठ रही है? अभी तक तो हम नहीं कहेंगे नहीं उठना चाहिए, बस यही कहेंगे नहीं उठना चाहिए। उठ तो रहा ही है, लेकिन नहीं उठना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक क्षेत्र विशेष में ही सिर्फ आवाज इसकी इसको लेकर के उठाए जा रहे हैं, पूरे राज्य स्तर पर तो इस तरह की बातें नहीं आ रही? हाँ, ये क्षेत्र विशेष में, पूरे राज्य पर तो नहीं है। और देखिए, जो भी बात करना चाहिए, अभी तो फोकस इस पर होना चाहिए जो बेरोजगार है, वो रोजगार उसके विषय में सोचा जाए। आज जो बच्चे लोग का जो बोल रहे हैं ना कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो नहीं मिलने का कारण हमारा झारखंड प्रदेश सुपर डोम कल्याण परिषद का जो भी है और भी अदर कास्ट है, बहुत से गरीब लोग हैं जो भूमिहीन है, और बिहार से बहुत से आदमी आकर के आज 75-70 साल से 80 साल से जरूरती नौकरी करके रिटायर के 3 पीढ़ी बीत गया है। तीन पीढ़ी पिताजी डेथ कर गए, दादा डेथ कर गए यहीं पर। आज बेचारे लोग, गरीब आदमी था, जमीन नहीं ले पाया,
अब बताइए उसको बच्चे लोग का कहा होगा, उसका एजुकेशन कैसे मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, उसको रोजगार कैसे मिलेगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ये न कि भाषा विवाद के लेकर के आपस में जो तालमेल है वो जरा सा विवाद है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। और हम लोग भाई गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, आज भला के हम बन गए वार्ड पार्षद तो बनाया हमको, एक गरीब आदमी को बनाया है, जो खोचा चलाने वाला, दो चार झाड़ू चलाने वाला, कोयला बेचने वाला, मैंने किसी तरह रोजगार चलाने वाला जो गरीब तबके लोग, वो हमको चुने। आज हम लोग भी विधायक के चुनते हैं, एमपी के चुनते हैं, मुखिया, तो हम लोग भी तो वोट दिए हैं, हम लोग भी उन लोग भी तो आशा है कि हम इसको जिताएंगे तो हमको ये लाभ मिलेगा, एजुकेशन का लाभ मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र का लाभ मिलेगा, आवासीय का लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये भाषा विवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, खास करके हमारे जो गार्जियन स्वरूप है, नेता लोग है, विधायक है, एमपी, इस भाषा प्रयोग में नहीं फंसना चाहिए। शिक्षा मंत्री आप ही के क्षेत्र से आते हैं, वो कह रहे हैं कि एकदम भोजपुरी मगही हम नहीं चलने देंगे, लगता है कि भोजपुरी मगही अगर हटता है तो लोग प्रभावित होंगे? ये भाषा से क्या लेना देना है, भाषा से कोई लेना देना नहीं। ये देखिए ये विवाद वाला बात है, झाड़ी के अरे जो है यहाँ का जो अति मूल निवासी है वो अपना भाषा प्रयोग कर रहा, क्यों कर, क्या भाषा कर रहा, तो ये जाति पर। आपको लगता है कि स्कूलों में या फिर कहीं भी इस तरह की व्यवस्था है कि क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई अभी चल रही? देखिए भाषा बोलने के क्षेत्रीय भाषा सब लोग बोलते भी है, लेकिन इसी पर एक फोकस बन जाए तो हर जगह पर एक एक भाषा का पढ़ाई होना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। कितना प्रभावित होगा अगर भोजपुरी मगही को हटा दिया जाता वहाँ से? देखिए हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी का ना है मगही भोजपुरी जो भी है, तो हमारा देश का हिंदुस्तान का ही है, फिर हटाने रहा भगाने वाला क्या बात है। ये झारखंड उसका भी देश, उसका अगर झारखंड हिंदुस्तान में है तो झारखंड भी मेरा है, बम्बई महाराष्ट्र अगर हिंदुस्तान में है तो बम्बई भी मेरा है। मतलब पूरा देश में कहीं भी हम रह सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, ये आजादी हमें मिलनी चाहिए। सबसे पहला बात तो ये है, हम तो इतना नहीं कर सकते, बहुत लोग भाई बहुत विधायक है, एमपीए पढ़े लिखे ज्ञानी सब सब है, हम लोग से बहुत ऊंचा चीज है, हम लोग छोटा सा एक चीज है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन या पढ़ाई लिखाएंगे, मातृभाषा हमारा क्या है? हिंदी। अगर हिंदी पर क्यों ना फोकस किया जाए, अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का मातृभाषा कौन है, क्या चीज़ है? हिंदी। तो हिंदी पर क्यों ना बात हो, क्या जो यहाँ का स्थानीय लोग है या आदिवासी लोग है क्या हिंदी नहीं बोलते हैं? हिंदी वो भी बोलते हैं, महतो जी भी हिंदी बोलते हैं, हमारा उराव है वो भी हिंदी बोलते हैं, आपका मांझी जी कास्ट है तो भी हिंदी बोलते हैं, आपका राजपूत है वो भी हिंदी का बोलते हैं, हरिजन कास्ट वो भी हिंदी बोलते हैं, सारा पर तो हिंदी बोलता है, बंगाली है वो भी हिंदी बोलते हैं, तो हमारा मातृभाषा है हिंदी, तो हम तो हिंदी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बिल्कुल हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरह से भाषा की आग बोकारो से उठी है तो बोकारो के लोगों का क्या सोचना है, तो स्पष्ट तौर पर जो लोग थे हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत की है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें रोजगार चाहिए ना कि भाषा विवाद। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।